ये हमारी भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा आप देखिए स्क्रीन पर, भाग्य रेखा जब सीधी शनि पर्वत तक जाए तो ऐसे में मालामाल कर देती है, व्यक्ति को काफी यश सम्मान वैभव दिलाती है। और यही रेखा यदि गुरु पर्वत तक जाए तो टीचर बना देती है, और यही रेखा सीधी सूर्य पर्वत तक जाए तो अधिकारी आपको बना देगी। मस्तिष्क रेखा सीधी अंगूठे के ऊपर से निकलकर शुक्र पर्वत की ओर आए, ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों से काफी मान और सम्मान मिलता है, काफी इज्जत उनको स्त्रियों की ओर से मिलती है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा पर कोई सफेद बिंदु है तो वह आपकी सफलता को दर्शाता है, वहीं पर काला बिंदु आपकी असफलता को दर्शाता है। मस्तक का चिन्ह यानी गोल चिन्ह अगर आपके हाथ में है तो ये आपकी असफलता को दर्शाता है। लेकिन उसी के साथ साथ यदि सूर्य पर्वत पर एक मृतक का चिन्ह हो, मृतक का चिन्ह होता है गोल चिन्ह, वो आपकी सफलता को दर्शाता है, लेकिन वो आपके सूर्य पर्वत पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा आगे जाती हुई बीच से टूट जाए तो ऐसे लोग अनुशासन प्रिय नहीं होते, किसी भी नियम को मानने वाले नहीं होते हैं, इनके वचन भी असत्य होते हैं, ये झूठ बोलने वाले होते हैं, इनकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा आगे जाती हुई जंजीरदार हो जाए तो ऐसे व्यक्ति रोगिल होते हैं, मस्तिष्क रोग से परेशान होते हैं, आंतरिक द्वंद्व उनका चलता रहता है, अंदर अंदर अपने आप से लड़ते रहते हैं। यदि देखिए मस्तिष्क रेखा छोटी है, सीधा गुरु पर्वत से निकलकर वहीं पर रुक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति कम दिमाग के होते हैं, थोड़ा इनमें अल्प दिमाग कहा जा सकता है। मस्तिष्क रेखा सीधी गुरु पर्वत से निकलकर हस्त तल के लास्ट तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में सफल और विदेश यात्रा करने वाले, साथ साथ उन्हें आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है और कई तरीके से वो धन कमाते हैं, एक तरीके से नहीं, अनेक प्रकार अनेक जरिए उनके धन कमाने के होते हैं। ये कह सकते हैं कि उनका भाग्योदय विदेश में जाकर होता है, उन्हें विदेश से अधिक फायदा होता है, विदेश से अधिक लाभ होता है। मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत के आगे तक चली जाए तो ऐसे लोग कवि होने के साथ साथ इनमें विचार शक्ति काफी अच्छी होती है, ये ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल काफी छोटा होता है। मस्तिष्क रेखा यदि मध्य में रुक जाए तो ऐसे लोग काफी लालची होते हैं, धन ही इनका ईश्वर हो जाता है, धन की ही ये पूजा करते हैं, धन के पीछे भागते हैं, जिस कारण से ये दुखी रहते हैं। देखिए मित्रों, हमें जीवन में धन के पीछे नहीं ईश्वर के पीछे भागना चाहिए। हरि के साथ लक्ष्मी अपने आप आती हैं। देखिए लक्ष्मी जी का वाहन होता है उल्लू, जब हमारे जीवन में लक्ष्मी आती है, हम लक्ष्मी के पीछे जाते हैं तो हमारे साथ उल्लू भी आता है, उल्लू पर सवार होकर लक्ष्मी आती है, जिससे क्या होता है हम उल्लू बन जाते हैं, हमारे पास पैसा तो आता है। लेकिन अगर हम नारायण को साथ बुलाते हैं तो नारायण जी गरुण पर बैठ के आते हैं। यदि आप भी किसी को अपने घर बुलाएंगे, कोई अपने रिश्तेदार को, तो जो महिला को किसी को बुलाएंगे तो अपनी स्कूटी से आएंगी, अगर आप उनके साथ साथ तो दोनों, अगर पूरे जोड़े को बुलाएंगे, परिवार को बुलाएंगे, तो वो अपने वाहन से आएंगे, पति के वाहन से आएंगे। जब कमलापति हमारे यहाँ आते हैं लक्ष्मी के साथ, तो वे अपने गरुण पर बैठ के आते हैं। गरुण की बुद्धि काफी तेज होती है, जो बुद्धि के साथ अपने धन का उपयोग करती है और हमें काफी आगे तक ले जाती है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब्सक्राइब करें पामिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल को, ज्योतिष की वीडियो, हस्तरेखा की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को करें प्रेस और लाइक के बटन को दबा दें।